नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज। अन्वेषक न्यूज आपके संघर्ष का साथी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अन्वेषक न्यूज में। साथियों, यहाँ पे एक बिग ब्रेकिंग न्यूज वायरल हो रही है और ये समाचार संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। साथियों, राष्ट्रीय समाचार हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है प्रथम पृष्ठ पे। और आप देख पा रहे होंगे शुक्रवार 23 दिसंबर यानी 2022 आज का ये समाचार पत्र है। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को दिए हैं निर्देश, 10 साल सेवा करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित करें। ये आदेश दिया है, निर्देश दिया है और फैसला लिया है संविदा कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पूरा समाचार देख पा रहे होंगे, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। रांची विशेष संवाददाता, झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 10 साल से अधिक समय से काम करने वाले अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश सरकार को दिया है। जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए सरकार को आदेश की कॉपी मिलने के 12 हफ्ते के अंदर सेवा नियमित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में नरेंद्र कुमार तिवारी और 30 अन्य ने याचिका दायर की थी। पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ संविदा पर ही लोगों को नियुक्त कर रही है, ऐसे में उमा देवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 10 साल से अधिक समय से काम करने वाले लोगों को नियमित करना पड़ेगा। अदालत ने कहा कि अब बहुत हो गई संविदा पर नियुक्ति, सरकार को अब नियमित नियुक्ति की करनी होगी और जो लोग पहले संविदा पर कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार तत्काल नियमित करे। प्रार्थियों आए साथ जानते हैं प्रार्थियों ने क्या कहा था इस याचिका में। इस मामले में दायर याचिका में कहा गया था कि वे सभी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर परिवहन विभाग में 10 साल से अधिक समय से अनुबंध पर कार्यरत हैं। पूर्व में सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जैसे कर्मचारी जिनकी वर्ष 2006 में 10 साल तक सेवा पूरी होगी उन्हें नियमित करने के विचार किया जाएगा। इसके बाद नरेंद्र तिवारी और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सरकार के कट ऑफ डेट को गलत बताया था। याचिका में कहा गया था कि झारखंड का गठन ही 2000 में हुआ है, ऐसे में 10 साल तक की सेवा 2006 में किसी भी की भी पूरी नहीं है। ये प्रार्थियों ने अदालत को बताया कि सरकार ने ऐसे कई कर्मियों को नियमित की है जिनकी सेवा 10 साल पूरी नहीं हुई है, जबकि ये प्रार्थी 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं, उनकी सेवा नियमित किए जाएं। वर्ष 2017 में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सभी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने सेवा नियमित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद झारखंड सरकार के कट ऑफ डेट निर्धारित को सही नहीं माना और सरकार को एक रूल फ्रेम करने के निर्देश दिया। साथ ही कहा कि यदि प्रार्थी 10 साल तक अनुबंध पर सेवा पूरी कर चुके हैं तो उनकी सेवा नियमित की जाए। अदालत को बताया गया कि वर्ष 2018 में सभी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के पास सेवा नियमित करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने कहा कि उनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, इस कारण सेवा नियमित नहीं किया जा सकता है। सरकार ने सभी को सेवा की समाप्त कर दी। हाईकोर्ट ने प्रार्थियों का आग्रह स्वीकार किया। झारखंड सरकार द्वारा अनुबंध कर्मियों की सेवा समाप्त किए जाने के बाद प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट फैसले का उल्लंघन है। सभी याचिकाओं ने यानी सभी प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा था कि राज्य सरकार 10 साल तक सेवा पूरी करने वालों को नियमित करे। उनका कहना था कि प्रार्थियों ने 10 साल से अधिक सेवा दी है, इस कारण इनकी सेवा नियमित की जानी चाहिए। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 3 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो देखा साथियों आपने, ये पूरा मामला क्या है और ये सरकारें कैसे अपनी मनमानी कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रख देती हैं और अपना फैसला सुना देती हैं। यहाँ तक कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात को दरकिनार करते हुए ये अपना नया कानून बना लेती हैं। तो साथियों यही हाल कुछ शिक्षा मित्र अन्वेषकों के साथ हो रहा है कई वर्षों से। अन्वेषक और शिक्षा मित्र 10 साल से ज़्यादा का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, क्योंकि एक कानून एक देश, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च
न्याय का मंदिर है और हम सभी सरकारों को उसकी बात मानना चाहिए और सभी प्रदेश की सरकारें अपने संविदा कर्मियों को नियमित करें जो 10 साल पूरी कर चुके हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। के अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।